कश्मीर लाइफ के एक और लाइव अपडेट्स में आप सबका इस्तकबाल है। इससे कबल हमने आप तक एक खसूसी लाइव शुमारा पहुंचाया था, जिसमें हमने आप तक मालूमात पहुंचा दी कि जो सालाना 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात के नतीज है वो सामने आ गए हैं। और इस बीच कई सारे खदशात जहनों में और कई सारे ख्यालात ये भी कि इसमें फर्स्ट पोजीशन किसने हासिल की है, सेकंड पोजीशन किसने हासिल की है। और तब हमने आपसे ये भी कहा था कि हम आप तक ये खबर भी ज़रूर पहुंचाएंगे। अभी ये ऑफिशियली डिक्लेयर तो नहीं किया गया है, अभी तक इस हवाले से कोई मालूमात मौसूल नहीं हुई है, लेकिन हमारी छोटी सी कोशिश के दो वॉल्यूम्स आए थी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में जो टॉपर्स थे, तो उन इस हवाले से हम आप तक वो लिस्ट भी बाकायदा पहुंचाएंगे कि कौन कौन इसमें टॉपर रहा है। अलबत्ता एक बात तो तय है कि 500 में से 500 किसी के भी नहीं है, 500 में से 499 किसी के भी नहीं है। तो वो जो टॉपर्स हैं वॉल्यूम 1 से, पहले हम आप तक इस हवाले से मालूमात पहुंचाएंगे। वॉल्यूम 1 में प्राणवी गुप्ता विद 494 मार्क्स, स्मृति राजपूत 494 मार्क्स, राधा गुप्ता 494 मार्क्स, सीरत फातिमा 494, सुनंदा पंडित 494, स्नेहा शर्मा 494, नंदिनी शर्मा 493, तनिष्का सबरवाल 493, जसविंदर शर्मा 492, संचिता मल्होत्रा 492, शाली शर्मा 492, सौम्या ठाकुर 492, सुरभि शर्मा 492। ये जो हमने आप तक जिन तलबात का हमने अभी जिक्र किया, जिन तलबा व तलबात का भी जिक्र किया और उनके नंबर्स भी हमने साथ में आप तक पहुंचा दिए, ये वॉल्यूम 1 से था। और गालिबन ये तो वहां लिख के नहीं था, गालिबन ऐसा भी हो सकता है कि जो वॉल्यूम 1 है ये शायद जम्मू डिवीजन का हो, अभी हम पूरी तरह से सवाले से श्योर नहीं है। लेकिन जो दूसरा वॉल्यूम है, जो दूसरे वॉल्यूम में भी कुछ बच्चों के नाम है, और जैसा कि अभी अर्ज किया था कि 499 किसी को नहीं है, 500 में से 500 किसी भी बच्चे के नहीं है। वॉल्यूम 2 में से जो 498 यानी हाईएस्ट सबसे हैं वो है फरहाना इम्तियाज विद 498 मार्क्स, सदफ मुश्ताक विद 498 मार्क्स, इसी तरह से आयशा खालिद विद 497, सईदा रुबाब 497, मीर मदीहा 497, ताहा अजमत अमीन 497, फैजल हक 496, बसीरा बट 496, अलीन सजाद 496, तबस्सुम अमीन 496, अरूबा शकील 496, फिजा रियाज 496, माया जावेद 496, असमत बिन तजिया 496, असमा शौकत 496, साइका जहांगीर 496, जैना मुश्ताक 496, इसी तरह से बरहा जावेद 496, इकला देव 496, अयान रशीद 496। जितने भी नाम हमने लिए, एक बात तो इसमें तय है कि लड़कों के मध्य मुकाबल लड़कियां ही अमूमन ज़्यादातर जो हमने देखा टॉप में शामिल हैं, यानी जिन बच्चों के नंबरात ज़्यादा हैं उनमें से सबसे ज़्यादा लड़कियों की तादाद है और अक्सरियत लड़कियों की है। तो हम ये कह सकते हैं कि लड़कियां इस बार बाजी मार गई। खैर, इस हवाले से हमने जिस तरह से पहले लाइव में आप तक मालूमात दी, तफसीलन हमने पहुंचाया कि इस बार पास परसेंटेज क्या रहा, 79% पास परसेंटेज इस बार 10th क्लास में जो रिजल्ट्स आए इसकी रही है, और साथ में लड़कों की अच्छी खासी तादाद जो पास हुए हैं, लड़कियों की भी अच्छी खासी तादाद हैं जो पास हुए हैं इस बार, और बहुत कम नंबर है ऐसा जो इस बार फेल हुए हैं। हम तो यही कहेंगे कि हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, जो इस बार रह गए हैं उन्हें और मेहनत करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ऐसे में उस एक बादशाह की भी कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी, जो जंग लड़ रहा था और लड़ते लड़ते उसे ये पता चलती है कि मैं अब इस जंग को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मैं ये जंग नहीं जीत सकता। वो छुप जाता है गुफा में, और गुफा में वो एक कीड़े पर उसकी नजर जाती है जो बराबर कोशिश कर रहा होता है कि किस तरह से मैं ऊपर पहुंचूं, और उसे अंदाजा होता है कि जब एक कीड़ा कर पाया, बार बार कोशिश कर पाया, तो मैं क्यों नहीं करूँगा। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अगर ऐसा कुछ अल्लाह ना बचाए रिजल्ट खराब है तो एक और चांस जिंदगी जरूर देती है, हमें उस चांस का फायदा उठाना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शाइब के साथ मैं एक राखून, कश्मीर लाइफ के लिए।